दैनिक जागरण द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से प्रेरित आयुष्मान इंडिया 2019 सिटी हेल्थ कॉन्क्लेव को देश और प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में आयोजित किया गया। सोमवार को गोमती नगर के होटल हिल्टन में इन सब कॉन्क्लेव्स के अंतर्गत एक भव्य चिकित्सक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अति महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट चिकित्सकों को एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड शो में जिसमें देश और प्रदेश की 20 विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 17 सरकारी व निजी संस्थानों के डॉक्टर्स को सम्मान दिया गया, तो वहीं 3 अनुभूतियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रकाश सिंह मौजूद रहे, तो विशिष्ट अतिथि के रूप में ACPGI के डायरेक्टर, बलरामपुर डायरेक्टर, लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट डायरेक्टर समेत कुलपति लखनऊ मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर ML भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि दैनिक जागरण की ओर से यह अवार्ड शो काफी समय से कराया जा रहा है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को दैनिक जागरण की ओर से समय समय पर सम्मानित किया जाता है। वहीं इस बार प्रबुद्ध वर्ग यानी डॉक्टर्स को इस बार का अवार्ड दिलाया गया। वहीं कानपुर, आगरा, मेरठ समेत राजधानी लखनऊ के कई डॉक्टर को भी इसमें जगह दी गई, जिसमें लखनऊ के मशहूर न्यूरोसाइकियाट्रिक डॉक्टर रमेश ठुकराल को उनकी उपलब्धियों की वजह से यह सम्मान दिया गया, जो मनोचिकित्सक के क्षेत्र में विगत कई वर्षों से कुशलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं और ओमनी केयर हेल्थ हाउस में कई वर्षों से अपनी सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। वहीं ONN टीम से कुलपति लखनऊ मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर ML भट्ट ने खास बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के सम्मान से डॉक्टर्स में एक बड़ी अनुभूति मिलती है, जिसमें वह अपने क्षेत्र में और बेहतर तौर से काम कर सकते हैं और समाज हित के लिए काफी कार्य भी करते हैं। उन्होंने आगे 20 अन्य डॉक्टर्स को बधाई के पात्र बताया, जिनको इस बार का 2019 आयुष्मान अवार्ड से नवाजा गया। वहीं आगे उन्होंने केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को बेहतर बताते हुए कहा कि जिस तरीके से आयुष्मान योजना के अंतर्गत लखनऊ मेडिकल कॉलेज में काफी गंभीर बीमारियों का इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स काफी आराम से करते नजर आ रहे हैं, वहीं पीड़ित मरीज को इस योजना अंतर्गत किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं दिखाई दे रही और केंद्र सरकार की योजना काफी लोगों के लिए लाभकारी भी साबित हो रही है। दैनिक जागरण की ओर से जागरण 2019 अवार्ड शो का आयोजन किया गया। हमारे साथ कुलपति सर मौजूद हैं। सर, आज का ये आयोजन किया गया है आयुष्मान 2019 अवार्ड शो, कुछ आयुष्मान योजना से कोरिलेटेड करता हुआ है, तो सर किस तरीके की योजनाएं भारत सरकार की ओर से जो लागू की गई हैं, किस तरीके की सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ स्पेशली लखनऊ जो मेडिकल कॉलेज है किस तरीके से मिलती है? आयुष्मान इंडिया 2019 दैनिक जागरण द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में प्रदेश के 20 वरिष्ठ चिकित्सकों को सम्मानित किया गया और आयुष्मान भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिए आपने पूछा है, ये भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चालू की है, जिसमें लगभग 10,74,00,000 परिवारों को 5,00,000 की सीमा तक प्रति परिवार प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है, जिसमें लगभग 55 करोड़ आबादी कवर्ड है। तो हमारे देश की 40-45% आबादी जो गरीबी की रेखा के नीचे है या गरीब हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट में और सरकार में उसको मुफ्त देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन आयुष्मान भारत का जो इससे भी महत्वपूर्ण अंग है वो है वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसमें 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे देश में बनाए जाएंगे और जितने सब सेंटर्स थे उनको कन्वर्ट किया जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, जिसके माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे व्यक्ति बीमार ही न पड़े। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ को ध्यान में रख करके किया गया है और इसके माध्यम से वैक्सीनेशन का, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज का, न्यूट्रिशन का, हाइजीन एंड सैनिटेशन का, तो पानी, स्वच्छ पानी देने की सब तरह की व्यवस्था को एक इंटीग्रेटेड तरीके से लागू किया जाएगा। भारत सरकार की स्वास्थ्य के दृष्टि से जो योजनाएं चालू हैं वर्तमान में,
उसमें स्वच्छ भारत अभियान भी एक तरह से स्वास्थ्य की ही योजना है। फिट इंडिया कैंपेन अभी प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, वो भी वेलनेस का ही एक प्रोग्राम है। फिट इंडिया रहेगा, लोग व्यायाम करेंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, संतुलित भोजन करेंगे और फास्ट फूड, जंक फूड, नशे से अपने को मुक्त रखेंगे तो पूरा इंडिया फिट होगा। जो उज्ज्वला योजना है वो भी स्वास्थ्य की दृष्टि से है, वाटर मिशन जो लॉन्च किया गया वो भी स्वास्थ्य की दृष्टि से है। तो ये सब जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वैक्सीनेशन के, इंद्रधनुष कार्यक्रम, ये सब स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा लगातार लोगों को ये सुविधाएँ ऊपर दी जा रही हैं। और जो शौचालयों की प्रबंध किया जा रहा है, लोगों को आवास दिया जा रहा है ताकि लोग हाइजीनिक और सैनिटेशन के तरीके से रह करके और उच्च कोटि का स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें, इसलिए अत्यंत सराहनीय कार्य पूरे देश में सरकार के द्वारा और प्राइवेट और सभी नागरिकों को उस कार्यक्रम में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की आवश्यकता है। सर, जो आज दैनिक जागरण की ओर से कार्यक्रम किया गया, किस तरीके से चिकित्सकों को आज सम्मानित किया गया, तो किस तरीके से देखते हैं उनका मनोबल बढ़? हमारे प्रदेश की आबादी 22 से 23 करोड़ है और इस 22 करोड़ की आबादी से 20 अति विशिष्ट चिकित्सक, जिनका अपने क्षेत्र में योगदान प्रदेश स्तर का है, नहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, ऐसे ख्याति लब्ध जिनका की योगदान उच्च कोटि का है, उच्चतम कोटि का है, तो इनको आज सम्मानित किया गया। जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की पूर्व कुलपति डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल को किया गया, SGPGI के पूर्व निदेशक डॉक्टर RK शर्मा को किया गया, डॉक्टर रमेश ठुकराल जी को उनके उत्कृष्टतम योगदान के लिए सिकैट्री के लिए किया गया। तो ऐसे अति विशिष्ट 20 चिकित्सकों को, जिनको पूरे प्रदेश से, लखनऊ से, कानपुर से, मेरठ से, गोरखपुर से, वाराणसी से यहाँ पे सम्मानित किया गया, इससे चिकित्सकों का उत्साह और बढ़ेगा और अपना योगदान और बेहतर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि उत्साह और बढ़ता है जब कोई सम्मान मिलता है समाज से, क्योंकि उनके कार्य की सराहना होती है, उस सराहना से अति उत्साहित होकर के उससे एक नई ऊर्जा का संचार होता है और बेहतर कार्य होता है। तो इसलिए सभी जो सम्मानित किए गए 20 अति विशिष्ट चिकित्सक, उनको मैं बधाई देता हूँ और आयोजकों का भी मैं साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा उच्च कोटि का कार्यक्रम आज यहाँ पर लखनऊ में आयोजित किया है। सभी को बहुत ही बधाई और धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो हम जागरण के शुक्रगुजार हैं और आपके PTA के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें स्वास्थ्य मंत्री से डायरेक्ट ग्राउंड लेवल की बात करने का मौका दिया। आयुष्मान स्कीम एक भारतवर्ष के लिए, गरीबों के लिए वरदान की तरह साबित हो रही है और इस स्कीम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि गरीब तबका भी अच्छे हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा पा रहा है। उनके हार्ट के ऑपरेशन, उनकी एंजियोप्लास्टी, जो वो सोच नहीं सकते थे, वो सारे काम हो रहे हैं। ये एक चमत्कार है, इस चमत्कार को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और हम सब लोग इसी सहयोग में स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करने आए थे।